दिसंबर 2012 को दरिंदगी की सभी हदों को पार करने वाले आरोपी अभी भी सजा से दूर है। पटियाला कोर्ट से ही चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी की सजा का ऐलान किया गया था, जिस पर दोषी मुकेश की दया याचिका पर सुनवाई के दौरान दोषियों की फांसी पर स्टे लगा दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जेल अधिकारियों को मुझे ये रिपोर्ट देनी होगी कि हम उन्हें 22 जनवरी को फांसी नहीं देंगे। मुकेश की दया याचिका फिलहाल गृह मंत्रालय भेजी गई है। मुकेश की दया याचिका पर दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि मुकेश की अर्जी को खारिज कर LG के पास भेज दिया गया है। अब कोर्ट ने जो विस्तृत रिपोर्ट मांगी है उसमें सभी जानकारियों को दिल्ली सरकार और जेल अथॉरिटी को कोर्ट में देना होगी। कानून के अनुसार जेल अधिकारियों को अदालत और राज्य सरकार को सूचित करना होगा कि दया याचिका दायर की गई है और फांसी की सजा को स्थगित करना है। कोर्ट ने कहा कि जेल अधिकारियों को रिपोर्ट दाखिल करनी होगी कि जब तक राष्ट्रपति द्वारा निर्णय नहीं दिया जाता तब तक कैदियों को फांसी नहीं दी जाएगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।